हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्लैमरस ठिकाना। सो मेरी आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि हम घर पर किस तरीके से अपने बालों की जितनी भी समस्याएं हैं ना, उनको दूर कर सकते हैं। एक ऐसा पैक मैं आपके साथ शेयर करूंगी जिससे आपके जितने भी वाइट हेयर हैं वो ब्लैक तो होंगे ही, साथ में अगर आपके बालों में किसी भी तरीके की कोई परेशानी है तो इस पैक को अप्लाई करने के बाद वो दूर हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, और साथ में ही चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, इसको बनाने के लिए हमें चाहिए मेहंदी। यहाँ पर मैं नेहा हर्बल मेहंदी ले रही हूँ। आपके पास जो भी मेहंदी अवेलेबल हो आप वो ले सकते हैं। यहाँ पर जो नेहा हर्बल मेहंदी है इसके अंदर काफ़ी सारे ऐसे इन्ग्रीडियंट्स पहले से ही मिक्स किए गए हैं जो हमारे बालों के लिए हेल्पफुल रहते हैं। यहाँ पर ले रही हूँ मैं लोहे की कढ़ाई, इसी के अंदर मैं इसको घोलूँगी। इससे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाती है हमारी मेहंदी। तो यहाँ पर लोहे की कढ़ाई या फिर जो सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेहंदी का कोई मेजरमेंट इस तरीके से नहीं है। आप अपने हेयर की लेंथ के अकॉर्डिंग और वॉल्यूम के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर मेहंदी ले लीजिए। यहाँ पर लेनी है कॉफ़ी पाउडर। यहाँ पर आप 1 से 2 चम्मच कॉफ़ी पाउडर ले सकते हैं। फ्रेंड्स, जो कॉफ़ी पाउडर होता है यानी कि कॉफ़ी जो होती है, ये हमारे हेयर्स की ग्रोथ के लिए, हमारे हेयर के जो रूट होती हैं, जड़ होती हैं, उनको इम्प्रूव करने में हेल्पफुल रहती है, और साथ में ही हमारे हेयर ग्रोथ को रिस्टोर करती हैं, उसको स्ट्रॉन्गर बनाती हैं और स्मूथर बनाती हैं, और साथ में ही एक नेचुरल शाइन हमारे बालों में देती हैं। मैंने 7 से 8 लौंग ले ली है। अगर आपके स्कैल्प पर किसी भी तरीके की फंगल इन्फेक्शन या कोई भी इचिंग या इरिटेशन होती है तो ये लौंग होती है, ये उसको दूर करती है और आपके हेयर्स की ग्रोथ को प्रमोट करने में हेल्पफुल रहती है। नेक्स्ट यहाँ पर मैं ऐड करने जा रही हूँ आंवला पाउडर। या तो आप आंवला को घर में ही ड्राई करके उसका पाउडर बना सकते हैं, नहीं तो मार्केट में एक अच्छी ब्रांड का आंवला पाउडर आप परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर जो आंवला होता है फ्रेंड्स, आपको इसके गुण के बारे में तो पता ही होगा। जो आंवला होता है ये बहुत ही ज़्यादा रिच होता है मिनरल्स में, विटामिन सी में, और साथ में ही ये हमारे जो हेयर की ग्रोथ होती है उसको स्टिमुलेट करता है। और यहाँ पर इसका जो डबल बेनिफिट होता है, ये ग्रोथ को तो इंक्रीज़ करता है लेंथ वाइज एंड वॉल्यूम वाइज, यानी कि बालों की लंबाई को भी बढ़ाता है और साथ में उसमें एक वॉल्यूम लाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आंवला पाउडर हम ऐड कर लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ गुड़हल के जो फूल होते हैं उनके पत्तों को ड्राई करके बनाया हुआ पाउडर। सो आप चाहें तो यहाँ पर गुड़हल के जो फूल होते हैं उनको ड्राई करके भी बना सकते हैं, अदरवाइज मार्केट में हर तरह के जो पाउडर अवेलेबल है। पर जो मेहंदी का ये पेस्ट हम बना रहे हैं, ये अगर आपने मंथ में एक बार अपने बालों में अप्लाई किया तो आपके जो बालों की क्वालिटी है और जो भी प्रॉब्लम है लाइक हेयर फॉल, ड्राइनेस, ब्रेकेज, ये सभी धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो गुड़हल का जो फूल होता है, ये अगर आपके हेयर लॉस की प्रॉब्लम है, लाइक बहुत ज़्यादा हेयर लॉस हो रहा है, वो किसी वजह से कंट्रोल नहीं हो रहा, तो आप इस तरीके से भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर विटामिन सी होता है। ये हमारे जो स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन होता है ना, उसको इम्प्रूव करता है और साथ में हमारे जो हेयर लॉस की प्रॉब्लम होती है उसको भी दूर करता है। तो इसलिए आप चाहें तो इसको ऑयल में भी मिक्स करके अप्लाई कर सकते हैं, और नहीं तो आप डायरेक्टली भी इसको ऐसे ही लगा सकते हैं। अदरवाइज़ एक वीडियो भी मैंने बनाई हुई है कि किस तरीके से अगर हम इसको ऑयल में मिक्स करके अपनी स्कैल्प पर लगाते हैं तो क्या बेनिफिट्स होते हैं, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर चेकआउट कीजिए। ऐड करने जा रही हूँ फ्लैक्स सीड्स, और साथ में ही मैंने फेनुग्रीक सीड का, दोनों का ही यहाँ पर पाउडर बनाया हुआ है, और इसकी भी वीडियो बनाई हुई है कि किस तरीके से ये हमारे हेयर फॉल को प्रिवेंट करता है, ये हमारे हेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, किस तरीके से ये वर्क करता है, इसकी कंप्लीट वीडियो के साथ बनाई हुई है, तो आप ज़रूर उसको चेकआउट कीजिए। जो फ्लैक्सीड होता है ना फ्रेंड्स, वो विटामिन ई में बहुत ज़्यादा रिच होता है और स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो हमारे बालों के पीएच लेवल को बैलेंस करके रखता है, साथ में ही ऑयल प्रोटेक्शन जो होती है उसको बैलेंस करके रखता है, हमारे हेयर्स को नॉरिश करता है। लाइक इसके अंदर जो ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है ना, तो वो हमारे बालों को नॉरिश करते हैं और साथ में ही हमारी स्कैल्प को बहुत ज़्यादा स्मूथ बनाते हैं और उसको कंडीशन करते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर इन सभी सॉल्यूशन को मिक्स करने के लिए मैं ले रही हूँ कर्ड मिल्क, यानी कि तो थोड़ा सा यहाँ पर हमें कर्ड लेना है, उसके अंदर थोड़ा सा पानी मिलाकर और यहाँ पर इस तरीके से फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लेना है और हमारा कर्ड मिल्क बन के तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपके फ्रीजी हेयर होते हैं ना, बहुत ज़्यादा फ्रीजी हेयर जो होते हैं उनके टेक्सचर को ये इम्प्रूव करता है, और साथ में ही डैंड्रफ की प्रॉब्लम तो मानो सालों साल हमारे बालों से जाती ही नहीं है, तो ये उसको भी दूर करता है, और साथ में ही जो हमारे हेयर में जो एक इम्यूनिटी बोलते हैं ना, हमारे हेयर्स की जो इम्यूनिटी होती है,
अगर वो किसी भी वजह से डाउन हो जाती है, लाइक हमारे हेयर की अगर इम्यूनिटी सिस्टम यानी कि बूस्ट वाली अगर हम बात करते हैं, अगर हमारे हेयर की इम्यूनिटी वीक होने लगती है तो फ्रेंड्स हमारे हेयर में हेयर लॉस, डैंड्रफ, इस तरीके की प्रॉब्लम्स बनने लगती हैं, फंगल इन्फेक्शन यानी कि हमारी स्कैल्प पर होने लगता है, तो ये उसको मेंटेन करके रखता है। तो आप कर्ड मिल्क जो होता है उससे नॉर्मली भी अपने हेयर को वॉश कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है आपके हेयर्स के लिए। अब इसको हमें अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है, और फ्रेंड्स हाँ एक चीज़ और, अब इसको अच्छी तरीके से हमें मिक्स कर देना है, और ओवरनाइट यानी कि पूरी रात आपको इसको इसी तरीके से रखना है, और मॉर्निंग में अपने क्लीन हेयर में, गंदे बालों में बिल्कुल नहीं लगाना है, ना तो कोई ऑयल यानी कि हेयर से रिलेटेड कोई भी चीज़ या रेमेडी अगर आप करते हैं तो वो क्लीन हेयर में ही आपको लगानी है, बिल्कुल भी गंदे बालों में ना लगाएं क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आपके बाल बहुत ही ज़्यादा ड्राई हैं तो फ्रेंड्स मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप जब कभी भी अपने हेयर को वॉश करते हैं ना, तो लास्ट में कंडीशनर की जगह आप कर्ड अप्लाई कीजिए, और देखना आपकी जो ड्राइनेस की प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी, बहुत ही अच्छे आपके हेयर्स हो जाएंगे, हेल्दी भी हो जाएंगे और शाइन भी आएगी। आप चाहें तो इसके अंदर कोई ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, लाइक अगर आपके हेयर में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस की प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा ड्राई रहते हैं आपके बाल, तो आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर जो मैंने कर्ड मिल्क इसके अंदर ऐड किया है, मट्ठा जो ऐड किया है, वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल ये रहेगा, ड्राई आप हेयर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ पर आप चाहें तो ऑयल ऐड भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ इट्स अप टू यू, ये आपकी चॉइस है। अगर बहुत ज़्यादा ड्राई रहते हैं तो ही ऐड करें फ्रेंड्स, अदरवाइज़ ये ऐसे भी बहुत अच्छा वर्क करने वाला है आपके बालों में। रात भर इसको इसी तरीके से हम रख देंगे और सुबह देखते हैं कि इसका कलर क्या हो जाता है और किस तरीके से हमें इसको अपने स्कैल्प में लगाना चाहिए। पूरी रात यहाँ पर हमने इस तरीके से मेहंदी को छोड़ दिया, तो और आप देख सकते हैं यहाँ पर बाउंड्री पे कितनी ब्लैकनेस आ गई है, तो ये मेहंदी बहुत ही अच्छा वर्क करेगी, आपके हेयर की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको तो दूर करेगी ही, साथ में अगर आपके हेयर्स बहुत ज़्यादा वाइट हो गए हैं तो धीरे धीरे उनको भी ब्लैक करेगी। तो यहाँ पर बालों को अच्छे तरीके से हम कॉम करने के बाद जितनी भी मेहंदी है अपने हेयर में इवनली अप्लाई कर लेंगे। फ्रेंड्स किस तरीके से हम अपने लंबे बालों में मेहंदी लगा सकते हैं, अगर आप इस पर भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं इस पर सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। कि लॉन्ग हेयर पर मेहंदी लगाना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, जब हम खुद अपने लॉन्ग हेयर पर मेहंदी लगाते हैं तो ये बहुत ही टिपिकल टास्क होता है। और अगर आपको अपने बालों में कलरिंग चाहिए तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको 3 घंटे के लिए अपने हेयर में मेहंदी के पेस्ट को इसी तरीके से रहने देना है। अगर आप कलरिंग नहीं चाहते हैं, केवल कंडीशनिंग और जो आपके हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करना चाहते हैं, तो 2 से 2.5 घंटे अपने हेयर में इसी तरीके से मेहंदी के पेस्ट को रहने दीजिए। सो 3 घंटे के बाद आपको अपने हेयर को वॉश करना है, सिंपल पानी से ही आपको वॉश करना है, कोई भी शैम्पू का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर जो मेहंदी का कलर है उसको बालों में आने में थोड़ा टाइम लगता है, तो 1 दिन हम शैम्पू नहीं करेंगे। उसके बाद आपको अपने हेयर में बहुत ही अच्छी तरीके से ऑयलिंग करनी है, मसाज करनी है, और पूरी रात अपने बालों में तेल को इसी तरीके से रहने देना है। नेक्स्ट डे आपको शैम्पू करना है। देख सकते हैं यहाँ पर जो मेरे हेयर की क्वालिटी है वो बहुत ही ज्यादा बेटर हो गई है, और ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है। यहाँ पर आपको दो दो बेनिफिट मिल जाते हैं, आपके हेयर की जो प्रॉब्लम है वो भी दूर हो जाती है, और साथ में अगर आपके बाल बहुत ज्यादा व्हाइट हो गए हैं तो ये उसको भी ब्लैक करने में हेल्पफुल रहता है। यहाँ पर आप जो मेहंदी का पेस्ट है उसको मंथ में एक बार अपने हेयर में लगा सकते हैं, ये आपके हेयर्स की सभी प्रॉब्लम को दूर तो करेगा ही, साथ में आपके हेयर्स को ब्लैक करने में भी हेल्पफुल रहेगा। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही, होपफुली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और साथ में ही कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इसी के साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में ही बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत।